हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क एंड लाइंस हम लोग नेटवर्क्स एंड लाइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपका 2018 का क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विच आर इनसेपरेबल फॉर analytical purpose आर कॉल्ड ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग इनसेपरेबल जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह के एलिमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या हो गया राइट right आंसर इस तरह के एलिमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं जिसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं और जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं उसको हम लोग लम एलिमेंट बोलते हैं तो आपका इनसेपरेबल जिसको सेपरेट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा द प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट आर तो प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन का प्राइमरी कॉन्स्टेंट क्या होता है आर एल सी और जी रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आर एल सी और जी ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री डेल्टा नेटवर्क इज आल्सो नोन एज तो डेल्टा नेटवर्क को हम लोग पाई नेटवर्क बोलते हैं और स्टार नेटवर्क को हम लोग टी नेटवर्क भी बोलते हैं तो डेल्टा नेटवर्क को क्या बोलते हैं पाई नेटवर्क कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर डेल्टा नेटवर्क को हम लोग पाई नेटवर्क बोलते हैं और स्टार नेटवर्क को हम लोग टी नेटवर्क बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसी प्रोकल यहाँ पे देखिए ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसी प्रोकल इफ टू पोर्ट नेटवर्क रेसी प्रोकल कब होगा जेड वन टू इज़ इजकअल टू जेड टू वन जेड वन टू इज़ इजकअल टू वाई टू वन सॉरी वाई वन टू इज़ इजकअल टू वाई टू वन ए डी माइनस बी सी इजकल टू वन और ऑल ऑफ द ए तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द ए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर सब आपका रेसिप्रोकल है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव आपको कहता है इन ए ट्रांसमिशन लाइन भीएसडब्ल्यू आर इज डिफाइंड बाई तो ट्रांसमिशन लाइन में भी डब्ल्यू आर को हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई मैक्स E मीन मीन मैक्सिमम वोल्टेज by मिनिमम e वोल्टेज mean का जो रेशियो होता है वही आपका भी एस डब्ल्यू आर होता है क्या होता है भी एस डब्ल्यू आर भी टू क्या हो जाएगा भी मैक्स या ई मैक्स लिखिए भी मैक्स बाई भी मीन तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन लो पास फिल्टर पास बैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम लो पास फिल्टर में पास बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपका 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो लो पास फिल्टर में क्या होगा जीरो से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक आपका पास बैंड होगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एव जो होगा वो आपका स्टॉप बैंड होगा तो पास बैंड पूछ रहा है तो कहां से तक होगा तो जीरो से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन एटूनुएटर कंसिस्ट ऑफ एटोनुएटर में क्या होता है रेसिस्टर ओनली कैपेसिटर ओनली इंडक्टर इंडक्टेंस ओनली नन ऑफ दुएटर में ओनली आपका क्या होता है रेसिस्टर होता है जब आप देखें सिमेट्रिकल टी एटोनिमेटर या सिमेट्रिकल पाई एटोनिमेटर जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहां पे केवल रेसिस्टेंस का ही हम लोग यूज करते हैं तो एटोनिमेटर में क्या होता है केवल रेसिस्टेंस हो जाता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए रेसिस्टेंस ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर इज गिवेन बाय लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है तो एफ सी टू क्या होगा वन बाई पाई रूट अंडर एल सी क्या हो जाएगा वन बाई पाई रूट अंडर एल सी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर तो आपका आठवां का ए हो गया नौवां देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन है द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए तो देखिए मैच जब आपका मैच कंडीशन होगा मैच होगा लोड लाइन आपका मैच करेगा तो वो आपका परफेक्ट कंडीशन माना जाएगा तो मैच कंडीशन में क्या होता है हम लोग जानते हैं के इजकॉल टू क्या होता है के इजकॉल टू जेड एल माइनस जेड नॉट By जेड एल प्लस जेड नॉट तो देखिए मैच कंडीशन में क्या होगा जेड एल इजकल टू जेड नॉट हो जाएगा तो जेड एल इजकल टू जेड नॉट होगा तो यहां पे क्या होगा जेड एल माइनस जेड एल बटे जेड एल प्लस जेड एल तो जेड एल माइनस जेड एल क्या हो जाएगा जीरो जीरो बाई समथिंग क्या होगा जीरो तो के का वैल्यू क्या आ गया जीरो तो मैच कंडीशन में क्या होता है के का वैल्यू जीरो होता है वहीं पर आपका परफेक्ट रिफ्लेक्शन मिलेगा तो के टू क्या हो गया जीरो ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये था आपका क्वेश्चन नाइन ये आप क्वेश्चन टेन देखिए कह रहा है इन ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में द करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इज गिवेन बाय करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस को हम लोग कैसे देते हैं तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस क्या होता है जेड नॉट इज कॉल टू क्या होता है जेड नॉट इज कॉल टू रूट अंडर जेड बाई वाई जेड क्या होता है आर प्लस जेओ मेगा एल और वाई क्या होता है जी प्लस जेओ मेगा सी तो देखिए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है ट्रांसमिशन क्या होता है आर इज टू जी इज इक्वल टू जीरो आर और जी का वैल्यू जीरो होता है तो देखिए अगर यही आपका है ये आपका नॉर्मल होता है आर प्लस और जी प्लस ऑप्शन ए में जो है और लॉसलेस केस में पूछ रहा है तो वहाँ पे आर और जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा अगर जीरो जीरो पुट कीजिएगा तो एल बटे जे ओमेगा सी जे ओमेगा जे ओमेगा कट जाएगा तो क्या रूट अंडर एल बाई सी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में not to क्या रूट अंडर एल बाई सी तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस फॉर टी टाइप एल पी एफ लो पास फिल्टर इज गिवेन बाय लो पास फिल्टर के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस पूछ रहा है तो जेड ओ टी इजक्ल टू क्या हो गया आर नॉट रूट अंडर वन माइनस एफ बाई एफ सी के होल स्क्वायर तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा जेड ओ टी इजक्ल टू आर नॉट रूट अंडर वन माइनस एफ बाई एफ सी का होल स्क्वायर वही आपका ऑप्शन सी किसके लिए होगा ऑप्शन सी जब आपका पाई में रहेगा जेड ओ पाई के लिए ये हो जाएगा जेड ओ टी के लिए आपका ऊपर वाला होगा जेड ओ पाई के लिए क्या हो जाएगा आर नोट बटे रूट अंडर वन माइनस एफ बाई एफ सी के होल स्क्वायर कब जब आपका लो पास फिल्टर रहेगा तब तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखेंगे देखिए द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इन टर्म ऑफ वी एस डब्ल्यू आर इज गिवेन बाई आपको रिफ्लेक्शन कॉपिशेंट और भी में रिलेशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन कॉपिशेंट और भी में क्या रिलेशन होगा एस माइनस वन बटे एस प्लस वन मीन्स आपको रिफ्लेक्शन कॉपिशेंट इज क्या हो जाएगा एस माइनस वन बटे एस प्लस वन तो रिफ्लेक्शन कॉपिशियट को हम लोग टाव से भी लिखते हैं या के से भी लिखा रहता है दोनों तरफ से तो टाउ इजक्ल टू एस माइनस वन बटे एस प्लस वन वैसे आपको टाव इजक्ल टू क्या होता है जेड एल माइनस जेड नॉट बटे जेड एल प्लस जेड नॉट तो आप ये रिलेशन से आपको अगर रिफ्लेक्शन कॉपिशियन दिया है तो बी एस डब्ल्यू आर निकाल सकते हैं बी एस है डब्ल्यू आर दिया हुआ है तो रिफ्लेक्शन कॉपिशन निकाल सकते हैं तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जिसका आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है इंटरनल इंपीडेंस होता है वो आपका जीरो होता है तो तेरह का क्या हो गया बी थर्टीन का आपका बी हो गया इंटरनल इंपीडेंस क्या होगा जीरो होगा आइडियल केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए वही आइडियल करेंट सोर्स के लिए इंटरनल इम्पिडेंस क्या होगा इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स पूछा है आइडियल वोल्टेज सोर्स तो इंटरनल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा जीरो तो ऑप्शन बी आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए विच पैरामीटर आर डायमेंशन लेस आपको जेड पैरामीटर एच पैरामीटर में हाइब्रिड पैरामीटर में पूछ रहा है कौन सा पैरामीटर यूनिट डायमेंशन लेट यूनिट लेस होता है तो हम लोग जानते हैं जेड वन टू और जेड टू वन क्या होता है यूनिटलेस होता है और जेड सॉरी एच वन टू और एच टू वन क्या होता है यूनिटलेस होता है एच वन वन इजकल टू क्या होता है उसका जो यूनिट होता है ओम होता है और एच टू टू का यूनिट क्या होता है महो होता है होता है तो आपका कौन सा पैरामीटर एच वन टू और एच टू वन क्या होता है यूनिट लेस होता है तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका द एच पैरामीटर अप्रोच करेक्ट रिजल्ट फोर एच पैरामीटर का करेक्ट रिजल्ट कब होता है जब आपका सिग्नल क्या होता है स्मॉल सिग्नल होता है लार्ज सिग्नल होता है बोथ नीच तो जब आपका स्मॉल सिग्नल होता है तो ये क्या होता है एच पैरामीटर का वैल्यू करेक्ट देता है मीन्स ये लिमिटेशन हो गया एच पैरामीटर का एच पैरामीटर केवल स्मॉल सिग्नल्स के लिए ही एक करेक्ट रिजल्ट देता है अगर आपका लार्ज सिग्नल है तो वहाँ पे वो एच पैरामीटर क्या होता है फेल्योर होता है तो ये आपका लिमिटेशन हो गया एच पैरामीटर क्या हो तो क्या हो जाएगा स्मॉल सिग्नल्स ओनली ऑप्शन ए इज राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जेड पैरामीटर इज डिफाइंड जेड पैरामीटर को हम लोग कौन सा इक्वेशन से डिफाइन करते हैं तो देखिए जेड पैरामीटर में क्या होता है भी वन इजक्वल टू क्या होता है एच वन वन आई वन प्लस एच वन टू भी टू एच वन टू भी टू होता है और भी टू इजक्वल टू क्या होता है एच टू वन आई वन प्लस एच टू टू भी टू ये होता है तो देखिए यहाँ पे भी वन इजक्वल टू देखिए यहाँ पे आई वन है और आई टू है आई वन और आई टू है तो यहाँ पे वी वन और वी टू है तो वी वन वी टू आपका हो जाएगा फंक्शन किसका है आई वन आई टू तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेट टू बी सिमेट्रिकल ए टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल हम लोग कब कहेंगे तो कब सिमेट्रिकल होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपका है तो सिमेट्रिकल कब होगा देखिए डेल एच इज़ इजक्ल टू वन होता है सिमेट्रिकल के केस में बाकी जो भी आपका ऑप्शन दिया है वो रेसिप्रोसिटी का है बाकी जो भी ऑप्शन है रेसिप्रोसिटी का है. तो एच पैरामीटर में क्या होता है सिमेट्री के लिए डेल एच इज़ इजक्ल टू वन मतलब एच वन वन एच टू टू माइनस एच टू वन एच वन टू ये आपका हो गया तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन द करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवेन बाई कैक्टिविपेंट ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है जेड ओ इज कॉल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर जेड ओ सी इंटू जेड एस सी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट एंड सॉरी ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर रूट अंडर जेड ओ सी इंटू जेड एस सी आपका कैक्टिविप इंपेंस ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा रूट अंडर जेड ओ सी इंटू जेड एस सी तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटोनेशन इन डी बी इन नेटवर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज भी आई एंड नोट इज तो वोल्टेज के सेंस में क्या हो जाएगा एटोन इन बी ट्वेंटी लॉक टेन आउट बाय भी इन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ट्वेंटी log टेन भी आउट बाय भी इन ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए पाई नेटवर्क सोन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टी आर आपको बोल रहा है जो पाई में दिया हुआ है टी में आपसे पूछ रहा है तो देखिए पाई नेटवर्क जो होता है वो आपका डेल्टा का इक्विवेलेंट होता है क्या होता है डेल्टा का इक्विवेलेंट होता है तो सपोज कीजिए ये आपको डेल्टा में दिया हुआ है यहाँ भी वैल्यू होगा ये तीन है ये भी तीन है ये भी तीन है स्टार में आपको पूछ रहा है स्टार में आपको पूछ रहा है तो हम पहले भी बताए हैं स्टार में अगर ये इसका पूछ रहा है तो ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों आपका एडजस्टेंट साइड का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम तो दोनों एडजेंट साइड का प्रोडक्ट थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन बटे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री तो नाइन बटे नाइन कितना हो गया वन ओम तो किसी का भी निकालिएगा क्योंकि इक्वल आपका दिया हुआ है रेसिस्टेंस तो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो आपको टी नेटवर्क में कितना हो जाएगा वन ओम वन ओम वन ओम ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट तो इस तरह से हम लोग 2018 का क्वेश्चन देखें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एमोंग्स योर फ्रेंड इफ एनी सजेशन रिक्वायर्ड देन यू प्लीज सजेस्ट मी आई विल ट्राई माय बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच